जी नाजरीन, आज हमारा थर्ड एपिसोड है शायद चौधरी साहब के साथ, देखते हैं उनसे क्या बातें होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो बहुत से लोग हैं बड़े नामी ग्रामी अपने ज़माने में, बड़ा जिन्होंने नाम बनाया इस गैंग फील्ड में, आतिफ चौधरी, नाजी भट्ट और इस तरह के काफ़ी सारे नाम हैं, और जो आप बताते हैं कि वो 25 और 32 के दरमियान मर जाते हैं पुलिस मुकाबलों में, या नहीं 25 और 32 नहीं 20 और 25 के दरमियान, 20 और 25 के दरमियान यही उम्र है सर, दुश्मनी और या फिर पुलिस मुकाबले। अच्छा, कुछ लोग सर अभी भी जिंदा हैं, तो वो क्या लकी लोग हैं या वो कोई ट्रैक उन्होंने चेंज कर लिया अपनी लाइफ का? जो जो जिंदा है ना, सबसे पहली बात तो वो मौजदात, जिन लोगों में आप इनके नाम ले रहे हैं ना उसी लाइन के लोगों की बात कर रहे हैं ना, आप कॉमन पर्सन को बात नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आप कर रहे हैं हाई प्रोफाइल लोग, कि कुछ मर गए तो कुछ इनमें अभी भी जिंदा है। जो जो जिंदा है ना, उन्होंने वक्त का तायुन करने में गलती नहीं की होगी। ये जितने भी अफराद मौत के घाट उतर गए ना, वक्त का तायुन, वक्त को आप अपनी मर्जी का नहीं कर सकते, सुई नहीं रोक सकते आप, आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक है कि आप वक्त के मुताबिक अपने आप को सांचे में डाल लो। जिन लोगों ने वक्त का तायुन करने में गलती नहीं की वो आज मौजूद हैं, जैसे मैं हूं और भी जो लोग हैं इसी तरह के, उन्होंने वक्त के मुताबिक जो है ना अपना रंग चेंज कर लिया, हालात चेंज कर लिए, कारोबार चेंज कर लिए, स्टाइल चेंज कर लिया, माशरे में नए चेहरे से आ गए, वो बच गए। अच्छा सर, एक सवाल है थोड़ा तल्ख, मुझे सबसे ज्यादा तल्ख सवाल करे। अच्छा सर, आपने ये जो आपकी लाइफ में एक ये स्पैन आया उसके बाद अब तकरीबन 25 से 30 साल गुजर चुके हैं, अब सर आपने इतना जिंदगी का हर रंग आप देख चुके हो और बाहर भी आपने ट्रैवल, 10 दानिशवरों की किताबें पढ़े, तो इतना नॉलेज और इतना तजर्बा नहीं मिलता जो ट्रैवल करके मिलता है। अब सर ये सारा तजर्बा आपके पास है, उसके बाद मैं सर आपको 30 साल पीछे लेके जाता हूँ और आपके सर दुश्मन आपके सामने आते हैं और वो आपके सामने सर एक जो सही तरीका है आपके सामने हाथ बांधते हैं, पैर पकड़ते हैं कि सर हमें माफ़ कर दें, क्या करेंगे सर? मेरे फादर का जो कत्ल करने वाला था उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी, मैंने प्रोग्राम से बताया नहीं, मुझे उसने कहा था कि मुझे आप माफ़ कर दो, तो मैंने कह रहे थे कि वो जो एक सही तरीका है उसने उसको फॉलो नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं वो उनका था जिन्होंने के ऊपर हमने FIR कटवाई थी। मैं ये कहता था कि अगर वो तशहीर करके आते ना, लोगों को बता के आते कि हम माफ़ी मांगने जा रहे हैं, तो मेरे फादर ने उनको माफ़ कर देना था। फादर मेरा पेशे के अतबार से वकील था। आपकी बात, मैं अपनी बात ये कर रहा हूँ ना, कि मैं वालिद के केस में मुदई था जी सर, उसी तो उसमें जो असल मुलजमान जो थे ना, वो जिस वक्त मैंने उसको मैंने पकड़ लिया, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मदद की और मैंने उसके ऊपर ग्रिफ्ट टाइट कर लिया, मेरे वो काबू आ गया, उससे मुझे कहा था कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे कहा था देखो बात सुनो, मैं कैसे माफ़ कर दूँ, मुझे ये बताओ ना माफ़ कैसे कर सकता हूँ मैं, आपने मारा मेरे अबू का, माफिया मुझसे मांग रहे हो, तो मैं आपको अब्बू के पास भेज देता हूँ, उनसे जाकर माफ़ी मांग लो, मैंने क्या बदयानती की, क्या दो नंबरी की, मुझे ये बताया। वो अब्बू के पास चला गया, वो उनको माफ़ कर दें, भाई मेरे इसमें तो कोई कसूर नहीं, ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक ड्रामा है। वो शैतान है ना, ईवल, मेरे प्रोग्राम को हमारी मूवी में एक सीन है, ईवल आके मेरे सामने बैठ जाती है और वो मुझे कहता है, मुझे पूछता है अगर तुमने मुझे पहचान लिया, तो मैंने उसे आगे से जवाब दिया, ये क्लिप्स बनेंगे मेरे वीडियोज़ में आप देखिएगा, वो मेरा ही रूप डबल रोल है मेरा, मैं ही आगे बैठा हूँ ना, मैं ही अपने आप को सवाल कर रहा हूँ, मुझे वो ना पूछ रहा है, वो मुझे पूछता है कि भाई तू मुझे कैसे पहचान लेते हो, तो मैं उसे कहता हूँ मैं तुम्हें अक्सर बेशतर देखता हूँ, पूछता है कैसे, मैं कहता हूँ जब जज के कमरे में खड़े होकर रीडर से तारीख मांगो ना, तो रीडर अपना हाथ जब ऐसे करता ना, तो उसके हाथ के ऊपर बैठे होते हो, तो मैं जब देखता हूँ ना कि एक औरत पेशावर एक बंदे को देख के जब अपनी आंखों को ऐसे हिलाती है, तुम उसकी आंखों की पलकों में बैठे होते हो, तो मैंने तो तुम्हें देखा हुआ है। वो कहता तुमने मुझे सिर्फ इस रूपों में देखा, तुमने मुझे ये नहीं देखा, पहले मैं सोच होती हूँ, शैतान कह रहा है मुझे डेविल, फिर वो कहता मैं इरादा बनता हूँ, फिर मैं इंसान से जुर्म करवाता हूँ, बाद में हस्तों को इल्जाम लगा रहा है, रहमत मार गया, शहजाद मार गया, पप्पू मार गया, होता नहीं इस तरह, कोई किसी को नहीं मारता और कोई किसी से नहीं मारता। मैं तो कहता नहीं, कुरान पाक में लिखा हुआ कौन किसी को मारता है, हम इसके ऊपर पर्चा काट देते हैं, हम इसके ऊपर काट देते हैं, पर्चा नहीं काटना चाहिए, ये खुदा का खुदा कह रहा है, अल्लाह मियां कह रहे हैं कि मैं कोई किसी को नहीं मारता, अल्लाह ताला ना चाहे तो फिर जब अल्लाह ताला की मर्जी से वो मरा है उसके ऊपर FIR काट देते हैं 302। तो मैं मुझे ये बातें बाद में समझ आई, और उससे पहले मेरे को नुकसान होते हैं, मैंने कभी भी FIR नहीं कटवानी थी। आज मैं दुनिया को कहता हूँ किसी को ना पकड़ो, मेरे को बाप कोई भी किसी को भी अगर मार देता तो मैंने पर्चा नहीं कटवाना था। ये मैं जितनी मुसीबत मैंने काटी है, मैंने उनको माफ़ करता या ना करता, FIR वो मौत वो ज़्यादा बदों वाला काम है कि आप अपने मुखालिफ को जेल के अंदर भेज देते हो, वो बेचारा 24 घंटे आपको बातों में दे रहा है, यार इस तरह ना करो, बकरे को भी तेज छुरी से ज़िबा करने का हुक्म है, तो अब कर भी छुरी के साथ उसको सजा दिलवाई है, उसको छोड़ दो, जब उसका बुरा वक्त आना है ना, अगर वो बुराई से बात नहीं होगा, खुद खुदा की लपेट में आ जाएगा, तो जो लपेट में आ जाए तो उसको माफी किस चीज़ की, तो मुझे ये बात जो है ना इसका जवाब आप दें।
कि मैं गलत नहीं, वो मेरा बिल्कुल सही था वो मेरा, कि मैं जो भी मैंने किया है मेरी उससे नुकसान ही नहीं किया था, मैं उसे कैसे माफ कर सकता था। अच्छा सर, आपका एक वीडियो है उसमें मैंने ये देखा कि आप ये दावा कर रहे हैं कि किसी ने किसी के पैसे खा गया हो, देने हो, तो वो आपके पास आए, आपके पास क्या अलादीन का चिराग है सर कि आप वो एक इसका जो लीगल प्रोसेस है बड़ा लंबा है, आप पुलिस के पास जाते हो वो आपकी कोई सुनवाई नहीं करती, फिर आप अदालत में जाते हो, जो बंदा पैसे नहीं दे रहा वो बड़ा चिराग है, चार पांच पेशियों पे तो वो नहीं आएगा, पांच महीने आपके इस तरह जाया हो गए, फिर उसके बाद वो सालों साल आपने पी के फिल्म देखी आमिर खान जी सर, बिल्कुल उसके पास एक लॉकेट होता है जी, तो मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता, वो लॉकेट है उसको मैं खोलता हूँ ना तो वो पैसे बंदे लेके यहाँ पे पहुंच जाते हैं। आप ये देखें कि मेरी व्यूअरशिप में किसी बंदे ने कभी ये कमेंट किया है कि हमने चोई साहब को पैसे दिए हैं तो वो पैसों का इधर उधर हो गया या पैसे नहीं उन्होंने दिलवाए। मैं केस जो लेता हूँ ये मुझे बड़ा मजा आता है यार लोगों के पैसे दिलवाने का ना, रजा कराना तौर पर मोल। एक तरफ आपके जो बच्चे हैं वकील हैं, आपके भाई वकील हैं, तो वो आपको कहते नहीं कि भाई आप तो हमारे पेशा खराब कर रहे हो, बजाय वो हमारे पास आए इंसाफ लेने वो आपके पास आ रहे हैं। नहीं नहीं वो इंसाफ मेरे पास नहीं लेने आते, मेरे पास तो पैसे लेने आते हैं, इंसाफ तो इंसाफ ही एक बंदे के पैसे डूबे हुए हैं सर। हाँ तो मैं जो है वो दिलवाता हूँ यार लोगों को पैसे, मैंने आपको बताया ना लॉकेट है मेरे पास पीके वाला, पीके वाला वो है मेरे पास, वो मैं फार्मूला नहीं, क्योंकि मैंने अगर ये फार्मूला सोशल मीडिया पर बता दिया ना तो लोग सारी दुनिया ये काम शुरू कर देगी सर, कोई ज़ियारत करा देंगे की। नहीं वो मैं नहीं, उसकी वजह पता क्या है, वो उसका सारा अमल इसके बाद खत्म हो जाना, वो मैंने मुलाकातें जारी रहे तो शायद नहीं ये फिर भी मुमकिन नहीं है मुझे पता वो मैंने जिस वक्त ये शो कर दिया ना उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। अच्छा पैसे वो मैं दिलवा, उसमें ये होता है कि अगर किसी का 10 लाख रुपए है ना तो 6-5-6 लाख रुपए तक मैं दिलवा देता हूँ, मिल जाते हैं जल्दी से, क्योंकि होता पता है क्या, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक बंदा जो है ना उसके आप उसे कहते हैं इसके ऊपर 10 किलो वजन डलेगा ना, 10 किलो वजन तो ये पैसे दे देगा, मेरे पास बट्टा ये 10,000 टन का, मैं वही उसके ऊपर रखता हूँ, पैसे मिल जाते हैं। हाँ ये चीज़ है, अब और इससे तलब कोई करें सवाल, ये तो बड़ा आपने ये बड़े क्या इसको मैं कहता बड़ा जादुई पुलिस पुलिस अफसरान ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े तकड़े बंदे मुझे कॉलिंग करते हैं, सिफारिश करते हैं कि चोई साहब आप इन बंदों का जो है ना काम कर दिया, तो मैं उनको कहता हूँ कि पैसे भेज दें तो आपको जो है ना ये काम हो जाएगा, वकील भी पैसे लेके बंदे को छुड़वाते हैं ना, तो मेरा काम जो है ना मैंने उसकी डिग्री नहीं है मेरे पास गुलाब वाली, लेकिन काम जो मैं कर रहा हूँ ना सारा दिन लोगों का ताना बंदा रहता है, मेरे माँ बाप के नीचे दुआएं करते रहते हैं कि यार इस बंदे ने हमारा काम कर दिया, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैसे दिलवाना, तो आप लाए ना केस 25% बीच में से आपका जो हमें 25% जो 25% हमने लेना है उसमें 25% आपका, तो मैं तो सरेआम 25% लेता हूँ, लोग 30% देते हैं, सही लोग उससे 5% ज्यादा मुझे देते हैं, खुश होकर लड़कों को यहाँ पे मिठाइयाँ बांटते हैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए लड़कों को देके जाते हैं यहाँ पे, वो कोई जुआ तो नहीं जीते हुए, डूबी रकम मिल जाती है, डूबी रकम मतलब एक दफा इंसान सोच चुका होता है कि खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया एक बड़ा पावरफुल मीडिया है, तो आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि मैं इसके थ्रू जो है वो नौजवान नस्ल को जो है कोई एक अच्छा पैगाम एक अच्छा मैसेज दे सकता हूँ सर? मेरा पहले ना रोजनामा महाज था अखबार, उसमें मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था बतौर इन्वेस्टर, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिक्लेरेशन नहीं था अखबार का, मैं मालिक भी नहीं, वो यानी कि डिक्लेरेशन जो है ना मेरे नाम से नहीं था, वो एडिटर थे सलीम पाशा खुरम पाशा के वालिद, खुरम पाशा मेरे छोटे भाइयों की तरह है, तो मैंने जो है ना अखबार वो 1.5 से 2 साल जो है ना रोजनामा महाज हमारी 22,000 तक जो है ना कॉपी छपती थी, मैंने कलर मशीन जो है नीचे लगवाई थी, प्रिंटिंग प्रेस अपना था हमारा, यानी इस लेवल का अखबार था, और काफ़ी सारे अखबार जो थे वो गालिबन छोटे छोटे 3-4 अखबार थे जो मुझे नाम नहीं याद, वो भी हमारे पास यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए आते थे, सीरियस होकर काम किया है, तो वो चूँकि देखें आज आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में आप कोई काम करें ना तो देखें कभी भी किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें, कभी भी जो है ना आप ज़िंदगी के अंदर ऐसा काम ना करें जो आपको किसी के ऊपर डिपेंड करना चाहे, जो आपको डिपेंड किसी के ऊपर करना पड़े ना, कि जाना यार सुबह शाम जाके जो है ना टाइम पे दुकान खोल लेना, तो आप वो काम ना करना, अगर आपको पता है कि आप दुकान खोल के जाके झाड़ू हाथ में पकड़ के उसका अड्डा साफ कर सकते हैं, और आप शीशे उसके साफ कर सकते हैं, और आप उसकी डस्टिंग वगैरह करने के बाद आप अड्डे पे बैठेंगे आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं या वो दुआ करते हैं अपने कारोबार के लिए, तो फिर जो है ना आप उसमें कामयाब होने की जो है ना उम्मीद रखें। अगर आप कहते हैं मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेता हूँ, देखें बिजनेस कारोबार रोजगार मुकद्दर का हर इंसान को मिलता है, एक बंदा बैड है वो बंदा उसका मुकद्दर अल्लाह ताला उसके उसकी किसी बात से उससे नाराज हैं, आप उसके साथ मिलके पार्टनरशिप कर रहे हो और रिज़्क़ की तलाश करने लगे हो, तो कैसे ये काम जो है पाया तकमील, आप अपनी किस्मत को आजमाएं, कोई काम करना है अमरूद की रेडी अपनी लगा लें, और अगर आप लगा सकते हो और आप टाइम दे सकते हो, अगर आप उसे बैलेंस पर रख सकते हो, मंडी भी जाके फिर बाद में रेडी पर बैठ, फिर वो करें,
अगर आप बस थोड़े पैसे हैं, छोटा कारोबार कर लें, अपना कर लें और अपनी किस्मत के साथ जो है ना वो रिजक कमाने की कोशिश करें, अल्लाह ताला बड़ी बरकत देता है। पार्टनरशिपें, डीटें, ये फ्रॉड शुरू हो जाते हैं, मैंने जी फलां बंदे को पैसे दे दिए हैं, वो देता बंदा अपने प्रॉफिट के लिए है, तो जब आगे हमारे पास केसेज आते हैं तो यहाँ पर बात खुलती है, वो सूद ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कारोबार करने से पहले जो ये सारी चीज़ें आप मद्देनजर रखें। मैंने ये जो सोशल मीडिया का इन्होंने मुझे सवाल किया है कि मैंने क्यों इसका हथियार, मेरा अखबार क्यों फ्लॉप हुआ, मुझे क्यों मैं जो है उसे नहीं चला सका पौने दो साल के बाद। 70,000 रुपया 80,000 रुपया पर डे का मेरा बजट था, और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे, FM तकवीम वगैरह और बड़े ऐसे जर्नलिस्ट थे, नदीम जूनियर, बड़े बड़े अच्छे साफ़ी जो थे, सारे यहाँ पर जॉब करते थे महाज में। तो मैं कामयाब क्यों नहीं हो सका, फिर मुझे ये बताएं, करोड़ों रुपये का मैंने नुकसान किया है, मशीन जो है मेरी वो भी मुझे आधे पैसों में बेचनी पड़ गई, यकदम मैंने अखबार बंद कर दिया, वो मेरे हाथ की गेम नहीं थी। मुझे वो पेज मेकिंग सेक्शन के लिए बंदे चाहिए थे, प्रूफ रीडर चाहिए थे, कंप्यूटर पर लिखने वाले चाहिए थे, एडिटर चाहिए था, रिपोर्टर चाहिए थे, फील्ड वर्क के लिए बंदे चाहिए थे, तो वो मैं कैसे कर सकता था मुझे ये काम, मुझे आप ये बताएं। मैं मेरे पास मैं वो था कि मैं कर ही नहीं, मैं मुझे पता ही नहीं था इस काम का। अब उसमें मेरी सिर्फ बेजा इन्वेस्टमेंट, और उस चीज़ को चूंकि चेक एंड बैलेंस के लिए आपके पास माइंड होना चाहिए ना, तो काम वो करें जिसका आपके पास तजर्बा हो। मैंने ये बातें 12 दफ़ा अपने प्रोग्राम से बताई हैं कि हर इंसान ने मर जाना, वो बंदे जिंदा रहेंगे तारीख में जो लोग जो है ना तारीख में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उनका रिकॉर्ड ना टूटे, लोग उन्हें सदियों याद रखते हैं, या आप ऐसा कुछ लिख जाएं कि लोग उसको पढ़ते रहें, तो जब तक वो तहरीर जिंदा रहेगी आप भी जिंदा रहेंगे। तो लास्ट में आपको एक चीज़ बताता हूँ, ट्राई मूवी है जी, उसके अंदर बैकग्राउंड पे जो है ना एक साउंड है, और वो क्वाइंस रख के जब उसको ट्राई को जलाने लगते हैं ना, तो बैकग्राउंड पे एक आवाज़ है, वो उसको आग लगी होती है, और पीछे वो बैकग्राउंड जो साउंड ट्रैक चल रहा है, वो बंदा ये कहता है उर्दू की आवाज़ में, डबिंग में आप ये देखिएगा मूवी, वो कहता है कि मैं वो हूँ कि मुझे तारीख में लिखा जाएगा और तारीख में मैं जिंदा रहूँगा, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने हेक्टर के युद्ध देखे, युद्ध जंग को कहते हैं, यानी वो कह रहा है कि मुझे तारीख में मेरा जिक्र होगा इस हवाले से कि मैंने हेक्टर जैसे डेंजरस आदमी की जंगें और इसके युद्ध अपनी आंखों से देखे। तो बाद में पता उसने क्या कहा, उसने कहा कि मैं वो हूं, ये तारीख मेरे नाम से लिखी जाएगी, क्योंकि मैं वो टोराई हूं जिसने हेक्टर को मारा। तारीख में तो उसी का नाम लिखा जाएगा ना जिसने रिकॉर्ड कायम किया, हेक्टर को जिसने मारा है तारीख उसके नाम से मंसूब हो गई। तो मैं ये चाहता हूं कि जुर्म की दुनिया में जिन लोगों ने अभी जन्म लेना है, जो अभी नौजवान, जो अभी जो है अपनी अपने आप को परवान चढ़ाने की सीढ़ियों की तरफ जो है ना उनका रुख है, उनको कम से कम ये चाहिए मेरे मैसेजेस को एक बार सुन लें। मैंने आपको कभी नहीं ये कहा कि गैरत के लिए मत लड़ें, मैं आपको ये कहता हूँ गैरत के लिए लड़ मरे, लेकिन उसमें ये देखिएगा कि आपकी बहनें कितनी हैं, उसमें ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपने जिन बच्चों को जन्म दिया हुआ है उनकी कफालत की जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ गई है। आपने अल्लाह ताला को जवाब देना है कि जब आपने बच्चे पैदा किए हैं तो आपके हालात क्या थे, जब आपकी इतनी बड़ी दुश्मनी थी तो आपने इतने बच्चे क्यों पैदा किए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनका इन चीज़ों को देख के ना, और अगर आप थोड़े बेगैरत हो सकते हो ना थोड़े से, यानी कि ज़्यादा चलो ना हो ना थोड़े से हो जाना, तो फिर आप ये बदले भी ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी आके ये भी मेरी बात याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगेगा कि मैं दुनिया का आखिरी बेगैरत बन गया हूँ। ये ताने, इस तरह की बातें, इस तरह की तनकीद अगर आप सुन सकते हैं और आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ना कि आप एक और जुर्म करके फंस जाएं, तो फिर ज़रूर करें। मैं नौजवानों को खास करके ये बात बताऊंगा, यार ये लोहे के चने चबाने वाली बात है। मैं अपने चैनल पे बैठ के अगर मैं इस तरह की बातें आपसे करूंगा ना, तो आप लोग मुझसे मुतनफ़र हो जाओगे, पता नहीं आप कौन सी गोदलियों में लाल हो, मेरे देखने वाले मुझे तो नहीं पता ये कौन सी आँख जो है मेरी इस वक्त वीडियो खोल के बैठी हुई है। तो मैं आप सबको जो है ना अपने से बहुत ज़्यादा मुकद्दस, बहुत ज़्यादा अजीम समझता हूँ। आज इनके पास मैं ये जो बातें कर रहा हूँ बैठ के, और इनकी वसात से अल्लाह ताला इनके चैनल को कामयाब करे, मैं दुआ करूँगा। हमें प्रमोट करना चाहिए, आपके अंदर का ज़र्फ़ तो तब पता लगे ना कि आप किसी बंदे को, मेरे अलावा और भी बड़े इस फील्ड में लोग जो हैं बड़े बड़े उनके इंटरव्यूज़ आते हैं, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि ये लोग आगे से उनको कहते हैं सबसे पहले आप हमें लिंक भेजो। यार एक बंदा आपको इतनी अहमियत दे रहा है, वो आपका इंटरव्यू ले, बेचारे का चैनल नया या पुराने, इन चीज़ों को छोड़ो, आप उसको दिल से प्रमोट करने की कोशिश करो, देखो आपको अल्लाह ताला आपका कितना इकबाल बुलंद करेगा। अगर मेरी वजह से इनको चार बंदे बढ़ के देख लेंगे तो मेरा क्या उत्तर का मुझे ये बताएं। तो मैं इनको, इन्होंने मुझे कहा मैंने सांबा से हूं, मैंने इनसे दूसरा क्वेश्चन ही नहीं किया, ये आए हैं, मैंने कोई लिंक मांगा आपसे, क्यों नहीं मांगा मुझे ये बताएं।
क्योंकि मैंने अहद कर लिया हुआ है कि मैं रियलिटी पे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, उसी सिस्टम से मैं दुनिया पे आया हूँ, जिस सिस्टम से ये असद भाई आए हैं, तो फिर डीग्रेड क्यों किया आपने इनको? ये गलत है ना कि वो इस्लामाबाद से आए हैं, बेशक किसी भी काम आए हैं। और तो मुझे इन्होंने फ़ोन किया तो यार मैं इतना ही वो आसमान पर चढ़ जाऊँ, मेरी अगर लिद की ज़रूरत पड़ गई है फिटे मुँह ऐसी ज़िंदगी के ऊपर। मैंने इनको ये नहीं कहा, मैंने तो इनको कहा मुझे करो आप सवाल, मुझे ये कोई आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, वो फलानी लड़की ने कि आपके ऊपर मेरे ऊपर FIR दर्ज करवाई है, मुझे ऐसे सवाल करो क्यों हुई थी। तो ये चीज़ें जब आप तनकीद को बर्दाश्त करना जो है ना शुरू कर देते हैं और उसके आगे खड़े होकर उसको डिफेंड करते हैं और एक ऐसी दलील देते हैं, लोग तनकीद वाले भी उंगली नीचे कर लें, पहले उंगली ऐसे होती है फिर उंगली ऐसे हो जाए, तो ये जो है ना जब आपके अंदर ये सारी सलाहियतें पैदा हो जाएं और आप इनको आपको आपका अल्लाह ताला आपको ये समझा दे कि तुम इस मकसद के लिए दुनिया पे आए थे। मेरी सारी ज़िंदगी की जो रिहर्सल है ना वो शायद इन्हीं प्रोग्राम्स के लिए थी, शायद मैंने वो कुर्बानी का बकरा बनना था जिसने ज़िंदगी में अपनी हर आसाइश और आराम को छोड़ दिया है और अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे आप लोगों की जो वीडियोज़ होती हैं उनमें मैं नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आया होता है कि जी मैंने तौबा कर ली है, असला भेज दिया है, मैं सीधे रास्ते पर आ गया। तो मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा दुनिया में कोई खूबसूरत जुमला शायद लिखा नहीं गया। आपकी क्या फीलिंग्स होती है सर जब आप ये जुमले पढ़ते हैं? मैं बताता हूँ, पता क्या, देखिए मैं ये बातें नहीं मैं करूँगा, उसकी वजह ये होती है कि अगर वो करते हैं ना तो ये बस ठीक है, जो भी करते हैं लोग भी पढ़ते हैं। मैं ये मुझे ये बात भी अजीब लगती है कि मैं ऐसी बात भी क्यों करूँ, मैं यार और ट्रैक मैंने अडॉप्ट कर लिया हुआ, ये बातें मेरी करनी नहीं बनती। वो अगर वो राह रास्त पे आ रहे हैं ना तो मैं, अगर वो आ गए हैं और जेनरली वो अगर मुझे लिख रहे हैं या मेरे साथ बाज़ औक़ात होता है बंदा कहता है यार चलो इस बंदे का थोड़ा चेहरा ही लगाते हैं, बड़े कमेंट्स आते हैं मुझे, लोग वॉइस मैसेजेस करते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों की तशहीर नहीं कर सकता, ये भी तशहीर में आ जाता है, वो मैं क्यों करूँ, ये आप सब लोग पढ़ते हैं। और मैं ये बात याद रखिएगा, मैं बिल्कुल दिल से बोलता हूँ और मुझे लोग कहते हैं कि जी ये जी वो जी, तो मैं ये जी वो जी सारी बोलियाँ मुझे आती हैं, हर बात पर मुझे हर ज़ुबान पर मुझे अबूर है वो। मैं लोगों को बारह दफ़ा ये बातें कह चुका हूँ, हालात ने जो है बहुत कुछ मुझे सिखाया है और इन्हीं लोगों में रह के जो है ना मैंने सब कुछ सीखा है। और ये शेर भी आप लोगों को सुनाता होता हूँ कि शरीक जुर्म ना करते तो मुखबरी करते, हमें पता है लुटेरों का सब ठिकानों का। तो जिस बंदे को जो बात आती है उसी पर मैंने फिर इसमें आगे जो है ना एक इस्लाही पहलू, मुझे मेरे दिल ने कहा कि यार अगर आप बोलो तो मुझे पता है कि लोग आपको सुनेंगे। क्योंकि एक चीज़ ना मैं आपको क्लियर करता हूँ, लोग अक्सर ये पूछते हैं कि अंडरवर्ल्ड या डॉन क्या होते हैं, इसका जवाब ये, एक टेबल आप अपने घर में अरेंज करें और तमाम डॉन जिनको आप जानते हैं अब उन सबको दावत दें, किसी भी ज़राए से उनको अप्रोच करें और उनको पाबंद कर दें कि वो आपके घर खाने पे हैं, आप वहाँ पे टेबल लगवा लें, सारे डॉन वहाँ पर आ जाएंगे, मुझे भी आप बुला लीजिएगा मैं भी वहाँ पर आ जाऊँगा। चले मैं डॉन तो नहीं हूँ ना, लेकिन मैं इन डॉनों के साथ मेरी दोस्ती या ताल्लुकात है, नजायज़ जायज़ जैसे भी आप लगा लें मैं भी वहाँ पर आ जाऊँगा। अभी वहाँ पर ना ये 20 डॉन या 70 डॉन या 120 डॉन बैठे होंगे, वहाँ पर आपने खुद से खड़े होकर इस चीज़ का तयन करना है कि इनमें से टॉप वन कौन है। डेफिनेटली वो होगा जो बात करे तो बाकी उसकी सुने और इसकी बात की तायद करें और उसको ये ना कहें ओ यार चुप कर, तो वो सातवें आठवें नंबर वाला है, पाँचवें छठे नंबर वाला है। और एक बंदा आपको बात सुनाए और आप उसकी बात को ऐसे सुने कि वो बंदा आपको सहर में मुबतला कर ले तो डॉन फिर वो होता है असल। जिस बंदे को अल्फाज पे अबूर नहीं है, जिस बंदे को माइक फोबिया है, वो कमज़ोर इंसान है, वो डॉन हो ही नहीं सकता। माइक फोबिया नहीं होना चाहिए, कैमरा ऑन करें, मुझे अभी ये आलू का टॉपिक देना, आप मुझे पूछा ना ये आलू का रेट क्या है, तो मैं देखें घंटा उसके आलू पे भी बोलूँगा। ये जो चीज़ है ना बंदे नहीं मरते, अल्फाज इतना ताकतवर और इतना पुख्ता होना चाहिए कि अगला बंदा आपके गिरेबान तक ना पहुँचे। मुझे किसी ने पूछा कौन कुछ करता है, मैंने कहा जो कुछ करता है। एक बंदे ने पूछा नहीं कौन कुछ करता है, मैंने कहा जो कुछ करता है वही कुछ करेगा, जो कुछ करेगा, जो कुछ नहीं करेगा वो कुछ भी नहीं करेगा। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे, ये आप एक प्रीच करते हैं नौजवान नस्ल को, तो आप अपने जो लाहौर है अपना पाकिस्तान है इसका फ्यूचर कैसा देखना चाहते हैं, क्या आपका ख्वाब है? अगर ये देखें बात सुने, इसका जवाब ये है कि अकेला इमरान खान वो हमें एक लीडर है, लीडर का काम है एक ना आपको एक फॉर्म देना, लीडर का काम ये नहीं होता वो आपको डंडे पकड़ के आपको बकरियां चरा रहा है, लीडर का काम है आपको एक ना एक मोटिवेट करना है एक साइड पे ना कि आपको इस तरफ आना। अब जब तक हम सब चोर हैं इमरान हम क्या कर सकते, इसका बाप भी आगे कुछ नहीं कर सकता, एहतसाब अपने से शुरू होता है, मैंने कर दिया ना, इसी तरह शायद अल्लाह ताला सबको हिदायत दे दे और हम सिर्फ अपना एहतसाब कर लें। एक कपड़े की दुकान वाला बंदा दही वाले को कह रहा है वो मक्खियों पर बैठी हैं तेन शर्म नहीं आती, तू दही तेरा फटा है नुक्स निकाल रहा है पैसे ज्यादा ले रहे हो, खुद वो कपड़े की दुकान पे बैठा और गाज उसका छोटा है, दो इंच कपड़ा कम दे रहा है लोगों को,
वो आगे मुर्गी खरीदने जाता है, मुर्गी वाला जो है वो उसने पानी भरा हुआ है गोश्त के अंदर, वो जो गोश्त वाला वो आगे चावल वाले के पास जा रहा है, वो गुड़ ना कर डाल के देख पका के दे रहा है, तो कैसे ये एहतसाब होगा मुझे आप ये बताएं। आप अपना एहतसाब करें, मैं अपना कर रहा हूँ ना, मैंने कभी कोई बात छुपाई है आपसे? मैं तो लाइव प्रोग्राम करता हूँ यार, जो भी है लोग जो कमेंट बैड करते हैं, आए नीचे सारे यार इकट्ठे हो गए, आ जाओ आप सारे, तो बदतमीजी ऐसे कोई अल्फाज नहीं लिख रहे जो गलत हों, जो बिल्कुल स्टेटस से गो हों, कह रहे देखने वाला बंदा आपको घटिया तरीन आदमी करार दे दे। सुलझे अल्फाज के साथ जो है ना मेरा एहतसाब करें आप, और मेरी नीयत के ऊपर आप सवाल करें, जिसको मैंने, मुझे तो पता है लेकिन आपको शायद आपको दूर दूर से ना वो चीज़ गुजरी हो कि मैं किसी नीयत से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो वो लाइव करने वाला बंदा जो है ना वो आपको पता है कि मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। और ये जरूरी नहीं है बंदा कोई भी नहीं मारता, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप 10 बंदे बैठे हुए आप उनको बात कर रहे हो, 10 बंदे आपकी बात सुन रहे हैं, वो अपने बाप की बात नहीं सुनने वाले, वो हैवी किंग कॉन्ग कह लेंगे आप। तो ये चीज होती है आपकी तबीयत, आपका लगो लहजा, आपका किरदार, बातें, ये सारी चीजें जो आपको ऊपर लेके जाती हैं। तो मेरा यही प्रोग्राम है यार कि मैं चाहता हूँ कि मेरे नौजवान जो है ना ज्यादा ना वो हो रहे हैं यार, बड़ी तेजी से हो रहे हैं, आपको यकीन है ना कि लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। मैं वो कमेंट्स पढ़ता हूं, बड़ी खुशी होती है इंशाल्लाह ताला। तो बाकी आप और कोई सवाल है बिल्कुल, आप बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया आपने इतने मसरूफ वक्त में, पाश मैंने आपको खिलाई है, उसके अलावा आप अपने जो खाना है वो भी मुझे बता रहे हैं, बहुत कुछ खाया है। चलिए थैंक यू, बहुत मेहरबानी। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे ये प्रोग्राम खत्म होता है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।